नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने हेल्थ चैनल पर। दोस्तों, आजकल के बढ़ते प्रदूषण, पानी का खारापन और खान पान के सही ना होने की वजह से और अन्य शारीरिक बीमारियों की वजह से बालों का झड़ना एक आम समस्या बन चुका है। आप अपने बालों की देखभाल के लिए ना जाने कितने तरह के महंगे महंगे शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे, परंतु रिजल्ट्स वही जीरो के जीरो। ऐसे में मैं अगर आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊं जो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, आपकी किचन में ही मौजूद एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊं जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों की देखभाल बहुत ही इजीली कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा 100% और कॉस्ट होगी ना के बराबर, तो कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले जो हमने इंग्रेडिएंट लिया है वो मेथी ली है, मेथी दाना। 2 चम्मच मेथी दाने को आपको 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख देना है। रात भर इसे ढककर रख दीजिए। सुबह इस मेथी दाने के पानी को और मेथी दाने को आपको एक टी पॉट में चाय के बर्तन में डालकर उबाल लेना है। एक उबाल दीजिए अच्छी तरह। उबाल लेने के बाद इस पानी को छान लेना है। छान कर अलग कर लीजिए इस पानी को, परंतु जो बची हुई मेथी है आपको इसे फेंकना नहीं है, ये भी बहुत काम की है। आप इस मेथी के दानों को मिक्सी में पीस कर थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना सकते हैं और थोड़ा सा दही डालकर अपने बालों में एक हेयर पैक की तरह लगा सकते हैं। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब आप इस पानी को लीजिए। आपने इस पानी के अंदर 1 चम्मच ग्लिसरीन की डालनी है। दोस्तों, ग्लिसरीन जाना जाता है बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को दूर करने के लिए। बालों में नई शाइन लाता है ग्लिसरीन और डैमेज बालों को रिपेयर करता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का इस्तेमाल बालों की रफनेस को दूर करने के लिए किया जाता है। हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ग्लिसरीन की डालेंगे। हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री ऑयल। हमें इसमें टी ट्री ऑयल का यूज़ करना है। दोस्तों, टी ट्री ऑयल बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये बालों के डैंड्रफ को दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हेयर फॉल को रोकता है टी ट्री ऑयल और बालों की ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है। ये स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। मल्टी बेनिफिशियल होता है टी ट्री ऑयल हेयर्स और स्कैल्प के लिए। ये हेयर्स और स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इसलिए हमने इसमें टी ट्री ऑयल का यूज़ किया है। 4 से 5 ड्रॉप्स को डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी स्प्रे बॉटल। अब इसमें इसे डालकर रख लीजिए। अब आपने इसे लगाना कैसे है, आपको लगाने का तरीका बताते हैं। आपको पहले हेड वॉश करना है शैम्पू से। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे आपको अच्छी तरह अपने सिर को धो लेना है, ताकि आपके सारे सिर की गंदगी और तेल निकल जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद बालों को सुखा लें। जब वो हल्के हल्के गीले रह जाएं, हाफ ड्राई हो जाएं, उसके बाद आपने स्प्रे बॉटल से इस मेथी के पानी को स्प्रे करना है बालों में। अच्छे से स्प्रे कीजिए स्कैल्प पर, बालों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए नीचे लेंथ तक। स्प्रे करने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये सूख जाए। आप इसे 1 घंटे तक रख सकते हैं बालों में। आधा घंटा रखिए, 1 घंटा रखिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको इसे सादे पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद अब दोबारा आपको शैम्पू नहीं लगाना है, सादे पानी से आपको वॉश कर लेना है, ठंडे पानी से। बस इसे ऐसे ही छोड़ देना है। हफ्ते में 2 बार इसे यूज़ कीजिए। फीमेल हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, मेल इसे रोज़ाना भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेल डेली सिर धोते हैं। फीमेल हफ्ते में 2 बार इसे यूज़ करें, आपके बालों की ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि आप खुद देखते रह जाएंगे। आपके बाल घने हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, आपके बालों में नई जान आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपके बाल झड़ने लग गए हैं तो वो झड़ने बंद हो जाएंगे। 1 महीने में ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। इसके अलावा जो मेल्स बियर्ड रखते हैं, उनके बाल अगर सफ़ेद होने लग गए हैं या बियर्ड घनी नहीं है या पैचेस हो गए हैं उनमें,
तो वो रोजाना इसके स्प्रे को इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आपके बियर्ड के बाल भी अच्छे होने लग जाएंगे, सॉफ्ट होने लग जाएंगे, शाइनी होने लग जाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा नुस्खा है जिसे आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, बहुत ईजिली आपको बन जाता है ये। आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपके बालों में नई जान ला देगा, शाइनी बना देगा आपके बालों को। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की रेमेडी, उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।